दोस्तों ये जो आप देख रहे हो इसका पहला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसका और एक वीडियो आने वाला है, मतलब पार्ट 3 भी आने वाला है, जो अगर आप बहुत दिन बाद देख रहे हो तो वो भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका वाटर प्रूफिंग होगा देसी टाइप का, मतलब इसमें केमिकल कोटिंग नहीं लगने वाला है। आप केमिकल कोटिंग नहीं लगेगा, लेकिन कैसे तरीके से आप वाटर प्रूफिंग करेंगे गारंटी के साथ, आपका लीकेज तो नहीं होगा। पूरा प्रोसेसिंग बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, ये जो है लीकेज पाइप। अब ये लीकेज पाइप किस तरीके से रखना है वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये भी आप देखेंगे, और एक वीडियो आएगा उसमें देखेंगे, आपको पूरा प्रोसेसिंग पता चल जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत। गारंटी लीकेज तो नहीं होगा बोल रहा हूँ, मतलब कितना साल लीकेज नहीं होगा ये समझ लीजिए, 15 से लेके 20, क्या आप लाइफ टाइम भी रखेंगे ना लीकेज नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर एक चीज है, एक वाटर प्रूफिंग करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो है आपका दूसरा ऑप्शन रखना चाहिए लीकेज पाइप, जैसे कि मैं यहाँ रखा हूँ, ये लीकेज पाइप रखिएगा, कभी लीकेज नहीं होगा। दो तरीका होता है सिर्फ, ओके, बाकी काम करने का तरीका होता है। चलिए देखते हैं कैसे है। यहाँ पर देख लीजिए एक डोरी है ना, इसमें आप लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, ये जो है आपका यहाँ पर 35 इंच है मेरा टाइस लेवल, मतलब यहाँ से मेरा 35 इंच जो है हाइट होगा, वहां 36 है उस कॉर्नर में, इधर स्लोप होगा, तो इधर जो है 35 इंच है। ओके, तो यहाँ 35 इंच में रखा, और ये जो है आप देख लीजिए यहाँ पर नीचे लेवल तक मेरा ये फ्लोर आएगा, तो ये फ्लोर से जो है ना आपका एस कटिंग कम से कम 4 इंच से ऊपर होना चाहिए। कोई कोई तो 1 फीट भी रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं कहीं कहीं पर, बट यहाँ पर क्लस्टर इतने ही छोड़े हैं तो उतने ही कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ आप देखेंगे तो 5 इंच जैसा मेरा एस कटिंग खुला हुआ है, तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, खुला रहना चाहिए, वाटर प्रूफिंग में ये काम आएगा। बाकी रेती जो है, रेती में ज़्यादा ग्राबुल नहीं होना चाहिए, मतलब जो स्टोन चिप होता है ना उस सब नहीं रहना चाहिए, छोटा बहुत एक एक रहेगा, छोटा छोटा रहेगा चलेगा। ठीक है, छान कर नहीं करना है, बट नॉर्मली अब स्टोन चिप नहीं रहेगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा काम होगा। चलिए देखते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से। बाकी जो है मसाला आपको 2 बार इस तरीके से पलटी कर लेना है, मतलब एक बार बनाकर 2 बार मिक्स कर लीजिए तो मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाता है। ओके, उसके बाद इसमें पानी डालना है, और इसमें बहुत सारा चीज पड़ेगा, अब ये देख लीजिए, ये जो है केमिकल है, सीका कंपनी का केमिकल है, अब डॉक्टर फिक्सिट का भी केमिकल यूज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कम से कम मेरे पास 1 लीटर या 750 जैसा है, तो इसमें हम कम से कम 350-400 डाल देते हैं इसके अंदर। ओके, तो क्या है इसमें पानी उसके बाद डालकर पूरा मिक्स हो जाएगा, पानी के साथ इसे आपको मिक्स कर देना है और वही आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब 750 में से समझ लीजिए 50% वहाँ चले गए और 50% यहाँ पर है बाल्टी में, तो ये जो है इसमें पानी पूरा भरेंगे और इसमें डोगा बनाएंगे, मतलब सीमेंट से मिक्स करने वाले हैं। और ये जो पानी है मेरा स्टॉक के लिए है, मतलब मसाला में अगर पानी कम पड़ता है यहाँ पर तो वो मुझे काम में आ जाएगा। बाकी और एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, देख लीजिए रोडा में अगर ऐसे आप पानी डाल देंगे तो वाटर प्रूफिंग का टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो ये क्या है ये सूखा रहता है ना, वाटर प्रूफिंग में आपका मसाला तुरंत खींच लेगा इसमें और आप सेटिंग कर नहीं पाएंगे, ऐसा कहीं फंसा ना तो उधर ही रह जाएगा मसाला, पूरा टान लेगा, तो इसलिए पानी दे दीजिएगा तो और भी काफ़ी बेहतरीन रहेगा ये चीज़। और यहाँ पर जो है आपको बाथरूम जो है पूरा अच्छे तरीके से मतलब वॉश कर लेना है, धूला मिट्टी, ठीक है, ये जो है ड्रेनेज जब करते हो ना, अगर उसके बाद दिन वाटर प्रूफिंग करोगे तो आप धो लोगे, ये तो यहाँ पर मेरा एक बार वॉश हो चुका है, तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए, और कुछ घिसी काटा था तो उसका भी धूला निकलेगा, तो इस सब के लिए ये धो रहा हूँ, और इस तरीके से धूल मिट्टी जो है पूरा आपको बाहर निकाल देना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट इसे निकाल दीजिए तो आपका काम परफेक्ट करेगा, आपका वाटर प्रूफिंग क्रैक नहीं होगा। अब जो केमिकल मिक्स किया था, पानी डाला था, तो उसमें आपको सीमेंट अच्छे से डाल देना है, मतलब डोगा बनता है, मालूम है ना डोगा कैसे बनता है, तो यहाँ पर आप कलर देख लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा, ये देख लीजिए किस तरीका, तो उस सब पूरा वाल में मार देना है। ओके, केमिकल वाला पूरा चारों साइड आपको इसे पूरा फिल कर देना है। अब ये जो है होल जाम हो रहा है, मतलब पहले से होल ऑलरेडी जाम है, तो इसे दिखाना जरूरी नहीं है, वाटर प्रूफिंग पूरा अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। और यहाँ देख लीजिए नीचे जो है पानी भर रहे हैं, थोड़ा आपको पानी थोड़ा बहुत स्विमिंग पूल बना लेना है, मतलब थोड़ा सा 2 इंच ऐसा रख लेना है नीचे पानी। ठीक है,
और उसमें बहुत सारा काम है। और आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ रोडा पर देख लीजिए, ये जो रोडा है ना, यहाँ मैं दो रखा हूँ पुराना वाला सिंपल आपको दिखाने के लिए, इसमें देख लीजिए आप सीमेंट लगा है। ओके, तो ऐसा सीमेंट वाला जो रोडा होता है ना वो आप मत लीजिएगा, उसमें क्या है सीमेंट खींच लेता है और इस सब रोडा जो है आपका सेटिंग नहीं होगा अच्छा से, स्ट्रांग उतना हो नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा वाला ईंटा लीजिएगा जो काम में नहीं हुआ है, तो उसे लीजिएगा, आपका मसाला में स्ट्रांग होगा। बाकी जो डोगा था वो आपको नीचे डाल देना है और मिक्स करके फिर से आपको क्या है नीचे सब डाल देना है और उसे आपको मिक्स कर देना है, मतलब पानी में जो आपका फैला है पूरा मिक्स कर दीजिए। ठीक है, हो सके तो इसमें अगर डोगा कम ही लग रहा है ना पानी, तो थोड़ा सीमेंट दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, तो इसे भी देकर आप झाड़ू से मिक्स करिएगा। यहाँ मैं पैर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं आप भी पैर इस्तेमाल करिएगा, एक वाटर प्रूफिंग हो रहा है इसलिए पैर इस्तेमाल किया। बाकी दोस्तों ये जो है कचड़ा है, मतलब राबिस वगैरह है, यहाँ इसलिए दिया हूँ, वाटर प्रूफिंग क्या है पाइप भी खुल जाता है, ऊपर चल जाता है इसके वजह से। ओके, आप चलिए रोडा बैठाते हैं और आपको दिखाते हैं, कुछ टिप्स जानकारी देते हैं, बहुत सारा तरीका होता है, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ स्लोपिंग देना है, मसाला डालना है और रोडा किस तरीके से बैठाना है, उस सब सारा चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख लीजिए जो भी आपका नीचे कंसील आ रहा है वाटरप्रूफिंग का एरिया में, तो उसे आपको पहले जाम कर लेना है, तो वो सही रहेगा। यहाँ पर आप एक चीज़ का रोड़ा बैठाने के टाइम फॉलो करिएगा, देख लीजिए कोई भी रोड़ा बैठ रहा है मतलब थोड़ा सा हिलाकर दबा के बैठा रहे, लेकिन यहाँ पर एक फॉल्ट होता है, वही फॉल्ट से वाटरप्रूफिंग लीकेज होता है और परफेक्ट नहीं होता है, और रोड़ा जो है आपको अदला अदला डालना है तो और भी बेहतरीन रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इस साइड खड़ा में रोड़ा बैठा है, मतलब ईंट जो है इस साइड खड़ा में और इस साइड कैसे बैठा है देख लीजिए, लेटा के बैठा रहे, मतलब यहाँ जो है लीकेज पाइप है और यही चीज आपका स्लोपिंग होगा, मतलब लीकेज पाइप में ही आपको स्लोप देना है वाटरप्रूफिंग का। लेकिन रोड़ा बैठाने का तरीका एक आपको एक्स्ट्रा से बताऊंगा, मतलब किस तरीके से है इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिएगा, जो बहुत बेहतरीन टिप्स है वो चीज़ आपको बताना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नहीं तो वही चीज़ जो है आपका लीकेज कर जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए इस साइड इस बार मसाला मतलब ईंट रोडा में बिल्कुल पानी दिख रहा है, बिल्कुल सूखा है देख लीजिए रोडा के ऊपर। ठीक है, लेकिन आप अभी देखिएगा धीरे धीरे यहाँ पर भी आपका पानी आने लगेगा और खेल देखिएगा किस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये रोडा परफेक्ट बैठ नहीं रहा है, नीचे पत्थर आ रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है आपको क्या करना चाहिए और क्या प्रॉब्लम होगा चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैं यहाँ पत्थर रखा नीचे, एक जो है आपको ऐसे लगा के रखना है, मसाला समझ लीजिए है, रेत है, इस तरीके से बैठता है, और एक अगर पत्थर के ऊपर आप रोडा इस तरीके से बैठा देते हो ईंट को, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा नीचे हवा रह जाएगा, गैप रहेगा, और वही चीज़ जो है आपका वाटरप्रूफिंग ब्रेकिंग कर देगा, मतलब फटा देगा और लीकेज करेगा। तो पत्थर अगर नीचे आता है तो उसे आपको निकाल के रोडा लगाना है, जैसे कि अभी आप देखे हो, और मैं वही प्रॉब्लम का इंतजार कर रहा था ताकि आपको दिखा सकूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए उस साइड रोडा बैठ रहा है और यहाँ धीरे धीरे जो है आपका पानी है जो है ना इस साइड आने लगेगा। ठीक है, तो वहाँ जितना रोडा बैठ जाएगा जो भी पानी है आपका पूरा जो है चारों साइड ही फील हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, ये दो ट्रैप है और यही लीकेज पाइप में आपको स्लोप देना है जो ये वाला। ओके, और यहाँ आपका पानी सब जमा हो जाएगा जब वाटर प्रूफिंग हो जाएगा कम्प्लीट।
यहाँ पर सीमेंट बैठ गया है इसलिए ये जो है मिक्स किया जा रहा है, क्योंकि सीमेंट नीचे बैठ जाएगा पानी ऊपर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। अब यहाँ देख लीजिए पानी छलक रहा है ऊपर ऊपर, ये देख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका पानी पूरा जगह छोटा हो गया, देख लीजिए पानी फैला, इस सब में पानी आ चुका है, देख लीजिए। पहले आप देखिएगा, गौर करिएगा, इस तरीके से नहीं था, तो ये जो पानी है पूरा चारों साइड फैल जाएगा और वो घोला जो है पूरा आपका परफेक्ट बैठ जाएगा। तो रोड़ा तो पूरा बैठ के कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को अभी तक जिसने लाइक भी नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए पूरा पानी फैला हुआ है सभी में। लेकिन आपको और एक चीज़ यहाँ बताने वाला हूँ, जैसे कि ये जो कॉलम देख रहे हो ना आप, इस कॉलम में डोगा मारे हैं, तो नेक्स्ट डे आप कभी भी फिनिशिंग करने आएंगे ना तो वो खिसक जाएगा, प्लास्टर पकड़ेगा नहीं। तो अभी जो है पतला पतला जितना माल होगा हल्का सा छींटा इसमें मार कर छोड़ देना है वो, ठीक है। अब देख लीजिए ये मेरा छींटा मैं मार कर छोड़ दिया, बाकी किसी में नहीं, कॉलम में ये प्रॉब्लम करता है बाद में, तो आप इसे इस तरीके से कर दीजिए और कंप्लीट हो चुका है मेरा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा उसमें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।